भिलाई वर्कर्स यूनियन द्वारा बीएसपी के यूनियन चुनाव को लेकर काफी लंबे वक्त से तैयारियां की जा रही थी। बीडब्ल्यूयू 4 बार चुनाव में शामिल हो चुकी है। बीडब्ल्यूयू के पदाधिकारी सुभाष महाराणा ने इस बार यूनियन चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है और कहा है कि सभी विभागों के कर्मचारियों से यूनियन को समर्थन प्राप्त हो रहा है। सुभाष महाराणा ने ग्रैंड एशियन न्यूज से खास बातचीत भी की। भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रतिष्ठित यूनियन चुनाव में भिलाई वर्कर्स यूनियन द्वारा भी इस बार पूर्व की तरह पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। यूनियन द्वारा इसके चुनाव लड़ने काफ़ी पूर्व से ही व्यापक पैमाने पर तैयारियां कर ली गई थी। हमारे साथ मौजूद है भिलाई वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधि सुभाष महाराणा जी, बीएसपी वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधि सुभाष महाराणा जी। आइए हम उन्हीं से चर्चा करते हैं किस तरह के एजेंडे हैं, क्या लगता है इस बार भिलाई इस्पात संयंत्र में उन्हीं की सरकार लगी। महाराणा जी, सबसे पहला सवाल ये रहा है कि क्योंकि आप लोगों द्वारा बीएसपी के सभी विभागों में लगातार जनसंपर्क किया गया, सभी कर्मचारियों के समक्ष अपने एजेंडे को रखा गया, तो क्या लगता है इस बार के चुनाव क्या देखें? देखिए, इस बार मैं सुभाष चंद्र महाराणा आप सभी का धन्यवाद पहले बात देना चाहूँगा। और ये हम मैं सुभाष चंद्र महाराणा बीडब्ल्यू यानी बीएसपी वर्कर्स यूनियन से हूँ, डीजीएस की पोस्ट पे। इस बार का जो माहौल आप देख रहे होंगे, चारों केवल बदलाव की माहौल है, परिवर्तन की लहर है। इस बार का जो वेज रिविजन हुआ है, सारे कर्मियों में बिल्कुल असंतोष की लहर है। असंतोष की लहर तो रहती है, हर समय रहती है, क्योंकि सभी के अपने अपने इच्छाएँ रहती हैं, अपने अपने जो चाहत रहती है कि मेरा वेज रिविजन इस प्रकार का हो। लेकिन इस बार का वेज रिविजन अभी तक के वेज रिविजन में सबसे हम जो कह सकते हैं गंदा या मतलब कलंक साबित हो रहा हमारे लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार के वेज रिविजन में सबसे जो चोट पहुँची है हमारे कार्मिकों के ऊपर, वो है ग्रेजुटी को लेकर। इन्होंने जो हम NJCS यूनियन है, जो 5 NJCS यूनियन में जो 5 NJCS यूनियन है, 5 यूनियन जो बैठती है, उन्होंने जो ग्रेजुटी सीलिंग करा के सीधे सीधे कर्मियों के जेब पे, उनके पैसे में, उनकी मेहनत पे लात मारा है। अभी तक ये होता है कि आप चलिए सुविधा आप नहीं दे पा रहे, कुछ भी सुविधा नहीं दे पा रहे, या 19-20 होती है, लेकिन इस बार के आप सीधा उनके जेब से, उनके आर्थिक रूप से उनको विकलांग या उनको पीछे छोड़ दिया है। जब एक कर्मी रिटायर होता है तो उसकी एक जमा पूंजी ग्रेजुटी के रूप में लास्ट बेसिक DSA कैलकुलेशन होता है, लेकिन इस बार उन्होंने सीलिंग कराने के पश्चात औसतन एक एक कर्मी का कम से कम 5 से 10 लाख का नुकसान हुआ है। क्योंकि अगर यदि चुनाव में बीएसपी वर्कर्स यूनियन जीत करके आती तो उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता कर्मचारी हित में क्या होगी? हमारी अगर बीडब्ल्यू यदि आती है तो निश्चित तौर पे हमारे प्राथमिकता रहेगी जो ग्रेजुटी पे जो सीलिंग हुई है उसको संवैधानिक तौर पर कैसे वापस लाया जाए, ये हमारी प्राथमिकता होगी। उसके बाद दूसरा जो एजेंडा है, हमारा वेज रिविजन 2017 से लंबित है और हमारा जो एरियर्स है अभी भी 39 महीने का एरियर्स हमें नहीं दिया गया है। उस 39 महीने के एरियर्स के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारा संघर्ष रंग लाएगा। ये तो हमारा बेसिक मुद्दा है। इसके बाद जो लोकल मुद्दे हैं, बहुत सारे लोकल मुद्दे हैं, जैसे HRA हो गए, इंसेंटिव और रीजन होना है, बेसिक समस्या हमारा टाउनशिप में, हमारा जो कार्मिक है मेहनत करता है, भिलाई स्टील प्लांट नंबर 1 का स्टील प्लांट है, लेकिन उनके रहने की सुविधा नहीं है। बेसिक मूलभूत समस्या में हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल चिकित्सा सुविधा उसको उपलब्ध नहीं है, ना न्यूरोलॉजिस्ट है ना कार्डियोलॉजिस्ट है, बात बात पर उनको रिफर करना पड़ता है, जो कि बहुत ही मतलब दुखदायी चीज़ है। एक महीना इतना बड़ा स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, और उसमें बेसिक मूलभूत सुविधाएँ ना हो। आपको मालूम होगा कि एक साल पहले गंदा पानी पीने पर पूरे शहरवासी, भिलाईवासी की भिलाई कार्य गंदा पानी पी रहे थे। इस तरह का माहौल पैदा ना हो और भिलाई के कर्मियों को सुविधा मिले, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि जैसा अभी आपने बताया कि 79 हॉस्पिटल जो मुख्य चिकित्सालय है वहाँ पर स्टाफ की कमी, प्लस इसके पूर्व जो गंदा पानी की समस्या आपने बताई जिससे काफ़ी लोग प्रभावित भी हुए थे, तो इसके लिए आप लोगों द्वारा किस तरह का संघर्ष किया गया? क्योंकि अभी तो आप लोग हालांकि किसी पद में नहीं है, बीएसपी में अधिकृत यूनियन नहीं है, लेकिन आने के बाद स्टाफ को लेकर के और भी छात्रों की समस्याएं, कर्मियों की कई सारी समस्याएं, NJCS से जुड़ी समस्याएं जो वर्षों से लंबित है, उसके निराकरण के लिए किस तरह की प्राथमिकता? देखिए, बीडब्ल्यू हमेशा संघर्ष करता है अपने कर्मियों के लिए और करता रहेगा। जैसे कि पानी की समस्या थी, पानी की समस्या को लेकर BWO ने बहुत संघर्ष किया है। हमारे टाउनशिप में विभाग से, हमारे जनरल मैनेजर से मिलकर समस्या को प्रमुख रूप से रखा है।
कंटिन्यू लगातार संघर्ष करते हुए लगातार ज्ञापन देते हुए जन जागरण जगाते हुए हमने इस मतलब समस्या को काफ़ी हद तक कम करने का प्रयास किया। अभी भी मेन जो इनकी समस्या जो है पाइपलाइन की जो समस्या आ रही थी वो जगह जगह इनको फाइंड आउट तो नहीं कर पाए, लेकिन मुख्यतः जो बरसों से जो पुरानी पाइपलाइन है ये पाइपलाइन सड़ गई थी जिसके कारण लीकेज हो रही थी और उसके कारण गंदा पानी आ रहा था। हमने संघर्ष करके, हमने जन जागरण करके, हमने मैनेजमेंट के ऊपर दबाव बना के, हमने कर्मियों के हित में बात करते हुए उस पाइपलाइन को सुधारने का रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया प्रबंधन से, और इसी का परिणाम है कि वर्तमान में लगभग 90% हमारा जो घरों है साफ पानी आना चालू है। क्योंकि कर्मचारियों से भी हमारी चर्चा हुई तो उनका कई कर्मचारियों ने यही कहना कि सभी यूनियन जो सीटू हो गया, इंटक हो गया, अपनी यूनियन है, इनके द्वारा तमाम तरह के वादे किए जाते हैं चुनाव के लिए, लेकिन चुनाव जीतने के पश्चात इस समस्याएं दस के तहत रहती है, उसका निराकरण के लिए किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया जाता और जो अपनी समस्याएं हैं जो कर्मचारियों की मूल समस्याएं उसको आगे पर टाल दिया जाता है। देखिए ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, यही इसी क्वेश्चन के पीछे आप समझिए मानसिकता वर्करों की, इसीलिए वो नाराज है ना NJCS से। करीब करीब 50 वर्षों से NJCS हमारे कार्मिकों का भविष्य तय करता है, उनका पे रिविजन तय करता है, लेकिन मूलभूत जहां समस्याओं को लेके आपने देखा होगा जब सीटू का पहले कार्यकाल में 6 साल करीब 6 साल मान्यता में रही थी, उसके बावजूद भी उसने कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद जो दूसरे यूनियन है उन्होंने मूलभूत समस्या को उन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया और केवल NJCS का उनके ऊपर बैनर ब्रांड नेम लगा हुआ है, जिस प्रकार कहते हैं वो ब्रांड नेम का उन्होंने दुरुपयोग किया है, जिसका परिणाम ये हुआ इस बार के चुनाव में कार्मिक बिल्कुल NJCS का बहिष्कार करेंगे और एक नॉन NJCS से हमारा हमने BW हमेशा नॉन NJCS का सहमति देता है, उनको अलग हटाने की बात करता है, भंग करने की बात करती है या पुनर्गठन करने की बात करता है, इसीलिए क्योंकि NJCS में रहते हुए भी आपने मूलभूत समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया। ठेका श्रमिकों के लिए किस तरह की पहल की जाएगी? ठेका श्रमिकों, देखिए ये मुद्दा हमारा पहले भी था और रहेगा भी, लेकिन हम उसको धीरे धीरे, ये बहुत जटिल मुद्दा है, ठेका श्रमिकों का जो मुद्दा है बहुत जटिल मुद्दा है, लेकिन हम उसके प्रति संज्ञान ले रहे हैं और लेते हुए हमारा आने वाला जो BW यूनियन है उनके प्रति निश्चित तौर पर जवाबदारी तय करेगा। ये थे हमारे साथ BSP वर्कर्स यूनियन के सुभाष महाराणा जी, जिन्होंने अपनी एजेंडे को हमें बताया और यही साथ ही ये भी जानकारी जी दी कि कर्मचारी हित में BSP वर्कर्स यूनियन द्वारा लगातार संघर्ष किया जाएगा। हालांकि इसके पूर्व भी जैसा कि इनका कहना है कि लगातार श्रमिक हित में समस्याएं उठाकर प्रबंधन तक पहुंचाई जाती है, उसके निराकरण के लिए लगातार प्रयास किया जाता रहा है। आने वाले समय में यदि इनकी यूनियन बनती है, BSP वर्कर्स यूनियन अधिकृत यूनियन बनती है BSP की, तो निश्चित रूप से ही कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, ऐसा कि जैसा कि इनका सुभाष महाराणा जी का कहना है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे।